विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास, लिखा कुश्ती जीत गई मैं हार गई। सिल्वर मेडल के लिए स्पोर्ट्स कोर्ट में अपील की, फैसला आज। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में डिसक्वालीफाई होने के बाद कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गुरुवार सुबह 5:17 पर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई मैं हार गई। माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001 से 2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने घोषणा की है कि राज्य सरकार विनेश को ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी की तरह ही सम्मान इनाम देगी। विनेश ने संन्यास के ऐलान से पहले बुधवार रात अपने डिसक्वालिफिकेशन के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की है कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश ने पहले फाइनल खेलने की मांग भी की थी, फिर उन्होंने अपील बदली और अब संयुक्त रूप से सिल्वर दिए जाने की मांग की। 7 अगस्त को विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 500 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इसके बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्रीस्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। ओलंपिक से बाहर होने के बाद विनेश की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोच वीरेंद्र दाहिया उनसे मिलने पहुंचे तो विनेश ने उनसे कहा, किस्मत खराब थी कि हम मेडल से चूक गए, लेकिन ये खेल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा था कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। पीएम ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा था। भारतीय ओलंपिक टीम के डॉक्टर दिनशो पौडीवाला ने स्टेटमेंट जारी करके बताया कि विनेश और उनके कोच को 6 अगस्त की रात ही उनके ज्यादा वजन के बारे में पता चल गया था। इसके बाद विनेश पूरी रात नहीं सोई और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए जॉगिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करती रही। डॉक्टर पौडीवाला ने बताया कि विनेश ने अपने बाल और नाखून तक काट दिए थे, उनके कपड़े भी छोटे कर दिए गए थे, इसके बावजूद उनका वजन नहीं घट पाया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारतीय दल ने विनेश को थोड़ा और समय देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं सुनी गई। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा, ये बेहद खेदजनक है कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन के कारण महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम कैटेगरी में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। रात भर की कोशिशों के बावजूद सुबह उनका वजन 50 ग्राम से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। हम विनेश की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करते हैं। भारतीय दल आगे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, हम आने वाली प्रतियोगिताओं पर फोकस करना चाहेंगे। विनेश 3 मुकाबले जीतकर 500 किलोग्राम रेसलिंग ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की युई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी।